आउटलुक पर पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल से समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या किया जाए। अभय जी के पास काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, जेपी मॉर्गन में भी काम कर चुके हैं और मल्टी बैगर चुनने के लिए जाने जाते हैं। अभय जी, गुड आफ्टरनून। क्या ये मार्केट का डर इलेक्शन को लेकर है या हम कुछ ज़्यादा रीड कर रहे हैं? जी, गुड आफ्टरनून अनुज। मार्केट क्लियरली, मैंने अनुज देखा है पिछले दो हफ्तों में एक शार्प रिवर्सल हुआ है सेंटिमेंट में। जितनी हमारी भी बात होती है फैमिली ऑफिस से, इन्वेस्टर से, ग्लोबल इन्वेस्टर से भी, दो तरह के अनसर्टेन इवेंट्स हैं अनुज, जिसको मार्केट अभी फैक्टर इन करना शुरू कर चुका है। अभी भी अर्ली स्टेजेस है। एक तो है इलेक्शन रिजल्ट्स। मैं ये नहीं कहूँगा कि इलेक्शन रिजल्ट्स में कोई अपसेट का डर है, पर एक यही डर है कि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक अनसर्टेनिटी का माहौल रहेगा। तो क्या हम उस माहौल में रिस्क पुट ऑन करें कि थोड़ा वेट करें? तो अभी जो पेंडुलम है वो रिस्क अवॉइड करने की जोन में जा रहा है। तो एक तो वो कारण है। दूसरा कारण अनु, उसके बाद का है, इलेक्शन के रिजल्ट्स का भी मुझे नहीं लगता इतना डर है। उसके बाद जो बजट है उसमें एक ये थोड़ा सा डर है इन्वेस्टर्स के मन में कि क्या कैपिटल गेन्स रिलेटेड टैक्स, जिसकी आप भी शो में पहले बात कर चुके हैं, उसको कोई ट्वीक करेंगे, उसमें कुछ चेंज होगा, उसको रैशनलाइज करेंगे एक तरीके से, जो शॉर्ट टर्म की जो अवधि है उसको चेंज करके। तो मुझे लगता है कि एक ये जो दो डर हैं ये प्ले हो रहे हैं, और एक एनवायरनमेंट भी अभी ऐसा है अनुज की जो अर्निंग्स हम देखे हैं लार्ज कैप स्टॉक्स की, मिड कैप स्टॉक्स की, वो भी एक मिक्स्ड बैग है। कोई एक बहुत बड़ा सिग्नल अर्निंग से अभी तक नहीं आया है किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए या किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंपनीज को, जिसको इन्वेस्टर्स कहें कि अंडर प्राइज्ड है। और ये माहौल भी ऐसा है कि कोई अंडर ओनरशिप नहीं है इक्विटी की। तो अनुज, मेरे को ये लगता है, फ्रेंकली मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं, मेरी कोई योग्यता नहीं है मार्केट को प्रेडिक्ट करने की, पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से और इलेक्शन और बजट तक अगर 5-8% का करेक्शन हो इंडाइसेस में, तो मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। नहीं, आपने जो बात की मैं उसको एक्चुअली थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाह रहा था, क्योंकि मेरा अगला सवाल अर्निंग्स पर था। और आज एशियन पेंट्स के नंबर्स ने डिसअपॉइंट किया, लासन के नंबर्स ने डिसअपॉइंट किया, दो ऐसी कंपनियां जिनसे नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। ये क्या बता रहा है? ये क्या कुछ वन ऑफ केसेस हैं या ओवरऑल थोड़ा अर्निंग्स पर प्रेशर अब विजिबल है? अनुज, मैं प्रेशर नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि एक जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन और मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि एक बहुत शार्प रिवाइवल होगा अर्निंग्स में, इमीडिएट रिवाइवल होगा। पर जिस तरह की कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, वो इतनी बड़ी कंपनीज हैं, इतना बड़ा मार्केट शेयर है कि उनको कोई भी स्ट्रेटेजिक चेंज करने में समय लगता है। और मुझे लगता है कि अर्निंग्स के लिए एनालिस्ट को और मार्केट्स को ग्रोथ के लिए थोड़ी पेशेंस दिखानी पड़ेगी। जितनी मैंने अर्निंग्स देखी अनुज, मेरे को कोई डर नहीं दिखा कि ये अर्निंग्स में स्लो डाउन हो जाएगा या लॉन्ग टर्म अर्निंग्स ग्रोथ के टारगेट्स हमको कम करने पड़ेंगे। पर एक जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है अर्निंग्स की, उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा कि जो कंज्यूमर डिमांड है, जो मार्जिन प्रेशर है, इन दोनों को थोड़े कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स लेके अर्निंग्स को प्रोजेक्ट करें तो बेटर रहेगा। मुझे लग रहा है कि थोड़ा मार्केट में जो फ्रॉड जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई पिछले 2-3 महीनों में, वो उन्होंने काफी एनालिस्ट को ड्राइव किया अपने अर्निंग्स फोरकास्ट को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, तो उसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। पर अगर हम स्टेडी स्टेट बेसिस पे देखें अनुज, तो जैसे आपने भी जो दो नाम लिए और बाकी भी जो सब पार अर्निंग्स आई हैं, रिजल्ट्स आए हैं अभी तक, मैं कहूंगा कि उसमें ट्रैजेक्टरी ऑफ ग्रोथ स्लो डाउन होगी। पर ऐसा नहीं है कि सडनली एक हम बहुत बड़े मार्जिन रिडक्शन के जोन में चले जाएंगे अगले एक साल के लिए। अच्छा भाई जी, अगर मैं अर्निंग्स की बात को ही कंटिन्यू करता रहूं, अब आप सारे नंबर्स आपके स्क्रीन पर बैंकों में हैं, अब SBI था लास्ट, वो भी आपके पास है, ये बात कहने में आप अब कंफर्टेबल हैं कि लीडरशिप अब यहां से एक कॉम्बो के पास रहेगी जो है वो ICICI बैंक और SBI? आप
वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून। अगर मैं सवाल आपका समझ पाया तो आप ये कह रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि क्या लीडरशिप जो है वो एसबीआई आईसीआईसीआई को पास ऑन हो जाएगी। बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल सही सुना। तो बिल्कुल ठीक बात है आपकी। आई थिंक जो ग्रोथ दिख रहा है जिन बैंक्स में, क्लियरली तो कोटक बैंक के रिजल्ट भी बहुत अच्छे थे, पर मुझे लगता है बैंकिंग स्पेस में जो आईसीआईसीआई ने लीडरशिप पोजिशन ली है और एसबीआई ऑलरेडी एक एक मतलब लोग उसका साइज एस्टिमेट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते इतना बड़ा बैंक है वो कि अगले 3-4 बड़े प्राइवेट बैंक्स उसमें समा जाए, इतना बड़ा साइज है। तो ये जायंट्स हैं वीरेंद्र, और ये ड्राइव करेंगे इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ को। तो विदिन बैंकिंग सेक्टर जो दो बड़े बैंक्स थे, इसके पहले HDFC एक तरह से लगाड हो गया है, और ये मेरी कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं हम डिस्कस करें बैंकिंग स्पेस का। तो क्लियरली एक लीडरशिप बैंकिंग स्पेस में आपने जो दोनों नाम लिए उसमें पास ऑन हुई है, और दूसरा मुझे लगता है कि एक बैंकिंग स्पेस से भी निफ्टी को ड्राइव करने के लिए अब लीडरशिप पास ऑन करने के दूसरे सेक्टर्स को जो उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, अब वो भी समय आ गया है। तो इन्वेस्टर्स को इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज ही नहीं रिस्पॉन्सिबल है अब यहाँ से निफ्टी को ऊपर ड्राइव करने के लिए। ओके ठीक है, चलिए बैंकों पे बात हो गई और भी अर्निंग्स पे बातचीत हुई, लेकिन अभय जी कुल मिला के ये जो कंसर्न्स, ये फियर फैक्टर इंडिया विक्स का बढ़ना, ये कहीं ना कहीं आपके चुनाव और उसके आउटकम से संबंधित है। बट कुछ स्पेस ऐसे जिनकी ग्लोबल मार्केट से पैरिटी होती है, फॉर इंस्टेंस आई थिंक IT, मेटल्स में अभी भी स्ट्रेंथ है। ठीक है, इंडेक्स 2-3 दिन से रिट्रेस हुआ है, बट एक सेक्टर जिसके ज़रिए आप ग्लोबल मार्केट्स की तरफ आई थिंक एक्सपोजर लेते हैं, उस लिहाज से क्या मेटल्स अभी भी एक मजबूत कड़ी रहेगा आपके मुताबिक? जी मेरे, मुझे लगता है कि मेटल्स एक बहुत ही अट्रैक्टिव पोजीशन में है, नॉन फेरस मेटल स्पेशली, और इसके दो रीज़न हैं जितना मैंने देखा है। एक तो यह कि चाइना में जो कंजम्पशन डिमांड है उसमें एक सडन पिकअप आया है, जो रियल एस्टेट सेक्टर था चाइना का एकदम बीटन डाउन था 2 साल से, अब जो कंपनीज बैंकरप्ट होनी थी, जो प्रॉब्लम में थी, वो सब सिस्टम से बाहर चली गई है। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स एक्वायर कर लिए हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वापस स्टार्ट हो गया है, और गवर्नमेंट का जो स्पेंड होता है चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो भी वापस आ गया है। तो एक चाइना में रिफ्लेशन हुआ है डिमांड का, जो कि कमोडिटी प्राइसेस को स्पेशली नॉन फेरस मेटल्स को ड्राइव कर रहा है डिमांड को। और दूसरा, जब ये प्राइसेस गिरे थे तो काफ़ी कैपेसिटी ग्लोबल लेवल पे बंद हो गई थी, क्योंकि बहुत और वो अभी तक वापस नहीं आई है, और वो मुझे लगता नहीं जल्दी में वापस भी आएगी। तो एक बड़े एक वर्चुअस साइकिल में हम मेटल्स के, स्पेशली नॉन फेरस मेटल्स के में अब एंटर कर रहे हैं, जहाँ पे डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई लिमिटेड है, और इसका टिपिकली ये साइकिल चलती है कम से कम 2 साल तक, जहाँ पे मेटल प्राइसेस स्पाइक करते हैं और जो बड़े एफिशिएंट प्लेयर्स हैं वो अच्छा मार्जिन बनाते हैं। तो मुझे लगता है ये अभी भी अर्ली डेज हैं इस मेटल साइकिल के, नॉन फेरस मेटल साइकिल के अपमूव में, और ये जो सेक्टर है जो काफ़ी बीटन डाउन था, मुझे लगता है काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देगा इन्वेस्टर्स को अगले 1-1.5 साल में। अभय, L&T के नंबर्स आपने देखे, वैसे नंबर्स में कोई खराबी नहीं है, ऑफकोर्स मार्जिन्स को लेकर ही इनका गाइडेंस थोड़ा सा फीका पड़ा, लेकिन क्या स्टॉक को वाकई में 6% टूटना था? और प्री इलेक्शन आई रिमेम्बर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी लोगों ने पोजिशनिंग अपनी रखी थी तेजी की तरफ, पोस्ट इलेक्शन रवैया क्या रहेगा अगर L&T खुद अपने गाइडेंस को, स्पेशली मार्जिन्स पर इतना कॉन्फिडेंट नहीं है? देखिए, हर जगह काफ़ी अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, बिकॉज जो पॉलिसी गाइडेंस क्या रहेगी सरकार की, इलेक्शन का रिजल्ट कितना उसको इम्पैक्ट करेगा, ये थोड़ा अनक्लियर है अभी, और इन्वेस्टर्स ऑलरेडी ओवर इन्वेस्टेड हैं काफ़ी कैपिटल गुड स्पेस में पिछले 1 साल से, तो थोड़ा वहाँ पे पोजिशंस अपनी लाइट करें, वो मुझे लगता है एक्सपेक्टेड मूव है। और अभी भी ये कोई, अगेन मेरा व्यू है कि बॉटम नहीं बना है इन स्टॉक्स में कि इन्वेस्टर्स को बार्गेन हंटिंग करना शुरू कर देना चाहिए। कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरग्रीन सेक्टर है अगले 5-10 साल के लिए इंडिया में,
अगर हमारा कोर बिलीफ है कि इंडिया का जीडीपी 6-8% तक ग्रो होगा अगले 10 साल, तो वो कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी स्पेशली एलएनटी जैसी कंपनीज के परफॉर्मेंस के बिना नहीं हो सकता है। पर मेरे को लगता है इन स्टॉक्स पे टेक्निकल प्रेशर अभी ज्यादा है, फंडामेंटल प्रेशर कम है। ये मार्केट अभी ऐसा है कि थोड़ी सी भी बैड न्यूज एक्सट्रापोलेट हो जाती है, ओवर रिएक्शन हो जाता है, पोजीशंस काफी ओवरबॉट तो नहीं कहूंगा पर काफी बड़ी पोजीशंस हैं, तो थोड़ा एलोकेशन कम करके फंड्स बड़े इन्वेस्टर्स कैश में जा रहे हैं, तो ये एक मार्केट उस जोन से ट्रांजिशन कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल मार्केट लेवल पे भी 5-8% का करेक्शन आना बड़ी बात नहीं है, इन्वेस्टर्स को सरप्राइज नहीं होना चाहिए, उनको रेडी रहना चाहिए टू यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी और एंड लुक बियॉन्ड इलेक्शंस। ओके, एक आखिरी सवाल फिर, इस समय आप कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं इस करेक्शन में, अगर 2-3 थीम्स स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर्स अगर आप बता दें तो? जी अनुज, हमने पिछले 2 महीने स्पेशली लास्ट 1 महीने में हमने अपना पोर्टफोलियो का ओरिएंटेशन काफी डिफेंसिव किया है, हमने लार्ज कैप्स का एलोकेशन बढ़ाया है और लार्ज कैप जिस सेक्टर को हमने ऐड किया है जो हमारे पोर्टफोलियो में पिछले 3 साल से नहीं था मैं कहूँगा, वो है लार्ज कैप FMCG कंपनीज का। और अगेन डिस्क्लेमर, मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर मुझे लगता है कि स्टॉक्स लीवर जैसे स्टॉक्स हैं जो काफ़ी एक टाइम करेक्शन से गुजरे हैं और वैल्यूएशन अगर मैं उनका हिस्टोरिकल मल्टीपल से देखूं तो काफ़ी ल्यूक्रेटिव है फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, इस समय उनको एंटर करना, पेशेंस रखनी पड़ेगी इन्वेस्टर्स को, पर मुझे लगता है FMCG स्पेस एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है इन्वेस्टर्स को, लार्ज कैप्स में भी और मीडियम कैप्स मिड कैप्स में भी। दूसरा, हमने जैसे हमने बात करी नॉन फेरस मेटल्स की, उसमें हमने अपना एलोकेशन अगेन पहली बार किया है पिछले 2-3 साल में, हिंडाल्को हमने ऐड किया है। तीसरा जो हम देख रहे हैं वो है फार्मा स्पेस। फार्मा में मुझे लगता है कि लार्ज कैप फार्मा के जो ग्लोबल प्राइस प्रेशर था वो बहुत कम है इस समय, US में एक शॉर्टेज है जेनरिक्स की और USFDA काफ़ी सपोर्ट कर रहा है इंडियन कंपनीज को अपना सप्लाई बढ़ाने के लिए US में, क्योंकि चाइना से सप्लाई ऑलरेडी काफ़ी कम हो गई है। सो लार्ज कैप फार्मा, मेटल्स, नॉन फेरस मेटल्स और FMCG, ये 3 सेक्टर्स अनुज हमें अट्रैक्टिव लग रहे हैं अगले 1-2 साल के लिए से। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए अभय और हमसे इन सब स्टॉक्स और सेक्टर्स पर बात करने के लिए। चलिए अब